हेलो एवरीवन, सीटीएच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेमोरी के क्रमवार वीडियो में आज हम लोग का एसबीटी का सबसे फेवरेट टॉपिक देखने जा रहे हैं, कैसे मेमोरी। बार बार जो है ना, इस टॉपिक को उठा लिया जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि कैसे मेमोरी को डिफाइन कीजिए या क्या होता है कैसे मेमोरी। तो आइए आज इसे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं और बेहतर तरीके से समझ भी लेते हैं कि एग्ज़ाम में जो है ना, कभी भी ये पूछा जाए तो कोई दिक्कत ना हो। कैसे मेमोरी को कभी कभी कैच मेमोरी भी कहा जाता है, वो आपके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे मेमोरी जो होता है ना, एक हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है। कैसे मेमोरी एक हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है, जिसके पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, डेटा को ये स्टोर करता है टेम्प्रोरी बेसिस पे, ये परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं करता है। और कब तक करता है, जब तक आपका प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर रहा है। और कैसे डेटा को स्टोर करता है ये भी देखना है कि ये सभी डेटा को स्टोर करके नहीं रखता, होल्ड नहीं करता, कुछ समय के लिए होल्ड करता है, लेकिन वैसे डेटा को होल्ड करता है जिसका बार बार यूज सीपीयू कर रहा है, बार बार सीपीयू यूज कर रहा है। एग्जाम्पल में आप देखें कि यदि कोई टीचर जो है ना, जैसे कि मेरे पास मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर जो है ना हम पकड़े हुए हाथ में, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा हाथ अभी हैंड जो है ना, अभी कैसे मेमोरी की तरह काम कर रहा है। क्योंकि मार्कर को अपने हैंड में ही क्यों हम रखे हुए हैं, क्योंकि इसका जो है ना बार बार यूज होने वाला है। अब यदि इसको हम कहीं रख देंगे दूसरी जगह, तो फिर इसको उठा करके लिखने में जो है ना हमें टाइम लगेगा। इसलिए जो है ना, कैसे मेमोरी जो है ना, अदर जितने भी मेमोरी होते हैं उससे बहुत ही कम एक्सेस टाइम लेता है डेटा को एक्सेस करने में, ठीक है। तो ये बफर की तरह काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के। जो भी हम लोग काम करते हैं वो कहाँ करते हैं, मेन मेमोरी में करते हैं। प्रोसेसिंग सारा होता है मेन मेमोरी में, करता कौन है सीपीयू, और इन दोनों के बीच में कौन रहता है हमारा, कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी क्या करता है कि वैसे डेटा जो देखता है कि सीपीयू जो है ना बहुत बार इस डेटा का जो है हमें यूज है, तो उस डेटा को जो है ना वो डाल देता है कहाँ पे, कैसे मेमोरी में, उसको प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में डाल करके। चूंकि सेकेंडरी मेमोरी में डालेगा तो फिर उसे लेना है, बार बार उसको एक्सेस करना है, तो उसमें टाइम क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए कम टाइम कंज्यूम हो उसके लिए क्या करता है कि कैसे मेमोरी को डाटा जो है ना ट्रांसफर करता है, और कैसे मेमोरी कुछ समय के लिए उस डाटा को होल्ड कर लेता है, फिर उसे जो है ना सीपीयू लेकर के अपना वर्क करता है। तो हम लोग इतना देख लिए कि कैसे मेमोरी जो होता है वो सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है, जो बहुत ही हाई स्पीड होता है, इसके पास लिमिटेड कैपेसिटी होता है स्टोर करने का, साइज छोटा होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत कम टाइम लेता है एक्सेस करने के लिए डेटा को, और ये वैसे डेटा को होल्ड करके रखता है जिसका बार बार यूज होता है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को जो है ना हम यहाँ पे नोट किए हुए, एक बार देख लेते हैं पॉइंट वाइज। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसका जो है ना बहुत कम समय के लिए जिस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना है उसी को स्टोर करता है। और यहाँ पे देखेंगे ये क्या करता है, टेम्प्रोरली होल्ड क्या रखता है, स्टोर कर रखता है डेटा को जिसको बहुत कम समय के लिए एक्सिक्यूट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट होल्ड्स दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाई सीपीयू, वैसे डेटा को और प्रोग्राम को होल्ड करता है जिसको जो है ना बार बार जो है ना सीपीयू यूज कर रहा है, बार बार सीपीयू यूज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एक्ट्स एज बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, ये जो है ना आपके सीपीयू और मेन मेमोरी के जो है ना बीच में बफर की तरह काम करता है। देखिए, सीपीयू और मेन मेमोरी के हमारा वर्क करता है सीपीयू, और प्रोसेसिंग होता कहाँ पे है, तो मेन मेमोरी। इन दोनों के बीच में कौन काम करता है हमारा, कैसे मेमोरी। क्यों करता है, क्योंकि सीपीयू वर्क कर रहा है मेमोरी में, मेन मेमोरी में, तो इसको डेटा बार बार वो चाहिए, कुछ ऐसे डेटा हैं जिसका बार बार यूज पड़ता है, तो उस डेटा को सेकेंडरी में ना डाल करके वो क्या करता है कि कैसे मेमोरी में रख लेता है, जिससे कि वो बार बार लेकर के यूज करता है। जैसे कि मेरा हैंड है जिसमें हम मार्कर पकड़े हुए हैं, दिस आर द कैसे मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड वेरी एक्सपेंसिव। लिमिटेड कैपेसिटी कहने का मतलब है इसके पास साइज जो है ना लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा साइज नहीं होता है, और बहुत ही कॉस्टली होता है, वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम बाकी अदर मेमोरी से जो है ना यहाँ पे
टू अदर मेमोरी। अदर मेमोरी से जो है ना कम एक्सेस टाइम ये लेता है डेटा को फेच करने में निकालने में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कैश मेमोरी से रिलेटेड हैं, कैश मेमोरी। तो इसको जो है ना आप एक बार देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका नोट्स ज़रूर बना लेंगे।